अभी हमने यहाँ लोकल ग्रामीण जो लोगों थे उनसे बात करी, अंदर जो अध्यापक थे उनसे हमने बात करी, तो पता लगा कि एक समय में एक क्लास को तो टीचर पढ़ाता है और दूसरी क्लास के बच्चे उस क्लास के बाहर उस पीरियड के खत्म होने का इंतजार करते हैं। आज सरकार ने जो रैशनलाइजेशन पॉलिसी सरकार लेके आई है उसमें लगातार इन स्कूलों की डिमांड थी कि हमारे स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती की जाए, अध्यापक भेजे जाएं ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा यहां मिल सके। लेकिन लगातार स्कूल की डिमांड के बावजूद आज इन स्कूलों के अंदर अध्यापकों की कमी है, जिसकी वजह से ग्रामीण अंचल के जो हमारे इस तरीके के स्कूल्स हैं वहां पर जो है शिक्षा उस स्तर की लोगों को, बच्चों को नहीं मिल पा रही, जो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा विषय है। आज पूरा जो गांव है, गांव के लोग हमारे साथ यहां मौजूद हैं, इनका भी ये जो है सरकार से निवेदन है, सरकार से दरखास्त है कि सरकार तुरंत प्रभाव से जिन स्कूलों में अध्यापकों की कमी है वहां अध्यापक भर्ती किए जाएं, क्योंकि इस समय पूरे प्रदेश में लगभग 36,000 अध्यापकों की जो कमी है वो इस समय पूरे प्रदेश में है, जिसकी वजह से ऐसे स्कूलों को बिना अध्यापकों के बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। इसके साथ